और चलिए बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे, इस वक्त आ रही है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सीएम खट्टर के नेतृत्व में ये जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि कालका से होते हुए पंचकुला, नारायणगढ़, साढ़ौरा, जगाधरी और आखिर में यमुनानगर में यात्रा रुकेगी। सीएम ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा है कि हमने करप्शन मुक्त सरकार दी है। बात उन्होंने पिछली सरकार की भी की, उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में दलालों का बोलबाला था। साथ ही साथ सीएम ने साफ तौर पर कह दिया कि हरियाणा की जनता ही हमारा परिवार है। हम विपक्ष की तरह नहीं है कि विपक्ष सिर्फ अपने रिश्तेदारों को अपना परिवार मानता था, लेकिन अगर बात की जाए हरियाणा की तो मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा की पूरी जनता उनका परिवार है। अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने सरकार का कामकाज करने का तरीका बदला। और आपको बता दें कि कालका से अब पंचकुला पहुंच चुकी है जन आशीर्वाद यात्रा। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, कालका से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब पंचकुला पहुंच चुकी है। कह सकते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा दाव है ये जन आशीर्वाद यात्रा, जिसमें यात्रा कालका से शुरू हुई है। 8 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी और फिलहाल कालका से पंचकुला पहुंच गई है जन आशीर्वाद यात्रा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खरा हीरा यहां पर बताया है और साथ ही साथ कहा है कि 5 वर्षों के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। हमारे साथ रहेंगे एक फकीर से तुलना करते हुए यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मनोहर लाल फकीर मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। और पंचकुला पहुंचने के बाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और तमाम जानकारियों के साथ हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनिल कुमार। अनिल जी, बीजेपी की जन यात्रा, जो ये जन यात्रा है, कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर मनोहर लाल खट्टर की एक सोची समझी रणनीति है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जन आशीर्वाद यात्रा जो आज शुरू की है, ये बिल्कुल इस बार 75 पार के लक्ष्य को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। और मुख्यमंत्री जो आज कालका से अपनी यात्रा का प्रारंभ किया है, इससे पहले केंद्रीय नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब दूसरी पारी खेलने की तैयारी में हैं और इस दौरान वो अपनी उपलब्धियों के बारे में भी बताएंगे और आगे की योजनाओं को बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा जो है जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस बार 75 पार के लक्ष्य को साधने के लिए जो उम्मीदवार हैं हर विधानसभा क्षेत्र से, उनको भी परीक्षण किया जाएगा कि किस उम्मीदवार को आने वाले समय में टिकट दी जाए, ताकि वो जो मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा है इस बार 75 पार का, वो हासिल किया जा सके। जी अनिल जी, बात की जाए अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो कालका की धरती से उन्होंने
पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है। यहां पीओके को भी लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बात होगी तो पीओके पर होगी। कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी मुसीबत यहां पर खड़ी होने वाली है। जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री का ये बयान आना काफी गंभीर माना जा रहा है और रक्षा मंत्री ने खुलेआम एक किस्म की अपने पड़ोसी देश को पाकिस्तान को चुनौती भी दे दी है कि इस बार जो अगर बात की जाएगी कि पीओके के अधिकृत जो कश्मीर है उसके बारे में बात की जाएगी, और उन्होंने कहा कि 370 धारा हटाने से पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया है और दूसरे देशों में जाकर अपने मदद की गुहार लगा रहा है। तो ये काफी अहम बातें जो है रक्षा मंत्री ने कही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी पीठ थपथपाई है। मुख्यमंत्री काफी कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि एक तो विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ है, इनेलो पहले ही अपने पहले परिवार उनका अलग हुआ है, उसके बाद इनेलो के कई विधायक जो छोड़कर इनेलो को भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है जिसका फायदा आने वाले समय में भाजपा प्राप्त करेगी। और आपको बता दूं कि भाजपा विपक्ष को काफी हल्के में भी नहीं ले रही है। भाजपा पूरी तैयारी और योजनाबद्ध तरीके से जो है अपने चुनाव की तरफ बढ़ रही है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार 75 पार का लक्ष्य को भेदने के लिए भाजपा पूरी जोर लगाएगी और मुख्यमंत्री का प्रयास रहेगा कि जो उन्होंने कहा है तो वो उन्होंने करके दिखाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए अनिल जी।